नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक में सबसे हॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों नाम इंडिया, जिसको निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। वहीं पर दो स्टॉक और भी रहेंगे दोस्तों, जो कि दोनों स्टॉक हॉट है दोस्तों। कोई पहली बार मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ इनमें से एक स्टॉक जो है कि कह सकते हैं कि मैं पहली बार बात करूंगा दोस्तों। मैं देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोगों को जो है कि स्टॉक का नाम जानना है, तो पहली कंपनी दोस्तों सुब्रोस। सुब्रोस क्या करती है तो आप सभी लोगों को पता है कि एसी के कंपोनेंट्स बनाती है। वहीं पे सेकंड कंपनी जो रहेगी दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेज, जिससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अंबर इंटरप्राइजेज के लिए भी दोस्तों, मतलब सुब्रोस की बात करें अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें, दोनों के लिए दोस्तों मतलब क्या है कि आपको ओनली 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों बता दें 2 साल बाद ये स्टॉक मतलब जिस प्राइस पे अभी मिल रहे हैं उससे भी डबल आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूँ तो 3% की तेजी देखने को मिली। रिसेंट में हमने बहुत सारे वीडियो बनाया था, जो कि हमने टारगेट प्राइस इस कंपनी का 4,000 रुपये के आसपास दिया था। हालांकि आज के दिन जिस टाइप का मार्केट में वॉलेटाइल देखने को मिला, उसी टाइप का स्टॉक में भी अपने को देखने को मिला। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, सब में अपने को गिरावट देखने को, फिर भी ये स्टॉक लगभग 8.5% 9% के आसपास तेजी मतलब रिटर्न बना के दे रहा है। वही पे एक महीने की बात करें तो लगभग 20% के आसपास है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 73% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये भी स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद रिसेंट में अपने को तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप का आपको मतलब चार्ट क्रिएट होते ही दिख रहा है। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर 1 साल में देखेंगे तो लगभग पैसे को कंपनी ने डबल किया है। और मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कुछ दिन साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद उसमें एक सडनली स्पाइक देखने को मिलती है। हालांकि ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों में इस टाइप का एक्टिविटीज़ थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिखता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक साइडवेज पैटर्न, उसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी थोड़ी सी साइडवेज पैटर्न, वापस तेजी, यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे तेजी, यहाँ पे मतलब आप देखेंगे तो पूरा चार्ट ही 1 साल का पूरा इसी टाइप से वर्क किया है। हालांकि दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक क्या है उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हाँ ये दोनों स्टॉक को आप चाहे तो मतलब अपनी रडार पर रख सकते हैं। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, देखिए अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत है। 27% से 30% जो भी मार्केट शेयर है दोस्तों रूम एसी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है कि अंबर इंटरप्राइजेज ही कैप्चर करके रखती है। बाकी देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कंप्यूटर मतलब जो कंपोनेंट्स है दोस्तों एसी के कंपोनेंट्स, वो सुब्रोस लिमिटेड बनाता है। तो हालांकि दोस्तों मतलब सिंपल में मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा भी डिटेल्स में जाऊँगा नहीं। हालांकि जिसको भी इस मतलब किसी भी स्टॉक पर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो वापस जो है कि हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस स्टॉक को भी देखेंगे दोस्तों तो लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 2% की कंपनी डाउन है। हालांकि ये कंपनी के अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि 16% के आसपास है। 6 महीने में 46%, यहाँ पे 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये भी कंपनी पैसे को डबल कर रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही आपको नोट करना है कि अगर आप अंबर इंटरप्राइजेज के देखेंगे तो भी 1 साल में पैसे को डबल है। वहीं पर अगर आप सुब्रोस को भी देखेंगे तो भी 1 साल में पैसे को डबल है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि दोनों स्टॉक में बराबर पे पैसा लग रहा है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 187% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर अंबर इंटरप्राइजेज की बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 350-400% के आसपास रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट से दोस्तों मतलब अभी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं तो उनके पास क्या है कि मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट मतलब प्राइस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब जिसको जो भी स्टॉक अच्छा लग रहा है दोस्तों आप अपने अपने पॉइंट से जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि बिजनेस के मामले में अगर देखेंगे तो अंबर इंटरप्राइजेस थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, मतलब 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं सुब्रोस की बात करें तो 4,000 करोड़ के देखने को मिलते हैं, जो कि एक रिस्की कंपनी भी आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2025 में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपसे बता, देखिए गवर्नमेंट मेक एयर कंडीशन जो एसी है दोस्तों ट्रक केबिन फॉर ड्राइवर मैंडेटरी फ्रॉम अक्टूबर 2025 से। मतलब आपको मैं जो बताना चाहता हूं दोस्तों मतलब क्या है कि 2 साल का आप अगर किसी भी स्टॉक मतलब दोनों स्टॉक में अगर पैसा लगाते हैं तो जो है कि मतलब मेरे पॉइंट से तो हालांकि ये न्यूज़ पुराना है। मतलब क्या है दोस्तों कि होता क्या है कभी मार्केट में जब अनसर्टेन आ जाती है बहुत सारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाते हैं, फिर बहुत सारे पुराने न्यूज़ को जो है कि कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी स्टॉक में मतलब जो है कि मतलब लॉन्ग टाइम पर्पज़ से निवेश करते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो स्टॉक में अपने को तेजी ही देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जुलाई में जो कि यूनियन रोड मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने नितिन गडकरी जो कि बताया था दोस्तों ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की बात करें जो कि उन्होंने बताया था कि मैंडेट द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम इन द केबिन ऑफ ट्रक हैज़
विन जो कि अप्रूव होगा, मैंडेटरी कर दिया उन्होंने, मतलब कि 25 अक्टूबर के बाद 2025 में, माफ़ करना अक्टूबर महीने के बाद, जो कि आपको ये कंपलसरी कर दिया जाएगा, ऐसा पूरा न्यूज़ यहाँ पे है। हालांकि इसके ऊपर भी आप चाहे तो थोड़ा सा एक बार फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम देखिए किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ जो भी पॉइंट रहेगा दोस्तों उसको मैं अपने पॉइंट से मतलब कवर कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मतलब क्या प्लस है क्या माइनस है अपने हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सुब्रोस लिमिटेड, तो इसका क्या है दोस्तों, विथ ए सबसेंट्रियल शेयर ऑफ अराउंड लगभग 40% पैसेंजर एसी कार पैसेंजर में दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 51% ट्रक एयर ब्लॉगर की बात करें, जो कि ब्लॉगर की बात करें उसमें, जो कि सेंटीमेंट इन द स्टैंड एज द लीडिंग कंपनी इज द ऑटोमोटिव कैटेगरीज में दोस्तों। मतलब क्या है कि सुब्रोस, मैंने आपको क्या बताया कि कंपोनेंट्स बनाती है दोस्तों, एसी कंपोनेंट्स या एसी की बात करें तो उससे रिलेटेड एक कंपनी काम करती है जिसमें पैसेंजर कार में 40% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है, और अगर मैं ट्रक की बात करूं तो 51% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। मतलब क्या है, तो मोनोपोली भी तो आप कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो मार्केट दोस्तों छोटे मोटे कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, हर सेक्टर की बात है, तो इस कंपनी के भी लिए आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सुब्रोस की बात करें तो 1985 से कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे भी देखेंगे सूरी फैमिली इंडिया, जो कि 36% का जो कि ऑनरशिप, जो कि यहाँ पे देखा जापान सुजुकी मोटर्स, बहुत सारे जो कि कंपनियों के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये छोटी कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो, जो कि अभी सितंबर महीने का ही अपडेट है, तो अभी रिसेंट का तो अपडेट देखने को मिल नहीं रहा। हालांकि जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है कुछ भी उन्होंने प्लस माइनस नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा FIs देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब इस क्वार्टर में क्या किए वो तो अपने को पता नहीं। हालांकि DIs भी देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वही पब्लिक की बात करें, पब्लिक भी एक डिसेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं अंबर इंटरप्राइजेज की बात करूँ, 23% 24% मार्केट शेयर ये भी कंपनी कैप्चर करके रखती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये भी कंपनी जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि रूम एसी में ही कैप्चर करती है दोस्तों। हालांकि रूम एसी की बात करें या ट्रक केबिन एसी की बात करें तो वो भी थोड़ा सा आप चाहे तो मतलब इसके ऊपर भी अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, इस कंपनी का देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि दोनों कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं, यहाँ पे 40% का है, वहाँ पे जो कि 37% का स्टेक देखने को मिलता है। FIs की बात करें दोनों में डिसेंट देखने को मिलेगी, इस कंपनी में सेलिंग किए हैं वहीं पर उस कंपनी में अभी तक देखा जाए मतलब वो भी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तो क्या है दोस्तों, तो हालांकि देखा है तो डिसेंट 32% का स्टेक उसमें भी है। FDIs ने इस स्टॉक में बाइंग किया और करते ही जा रहे हैं दो क्वार्टर से। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए सुब्रोस की अगर मैं बात करूं तो 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 187% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट टाइम से कवर करेंगे तो लगभग 400% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। हाँ, एक मतलब देखिए दोस्तों होता क्या है कि आज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, JVM ऑटो की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी दोस्तों जो कि छोटी कंपनी थी, जैसे ही उनके मतलब डिमांड आए दोस्तों वैसे स्टॉक जो है कि रॉकेट बन गए और कंपनियां भी जो है कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बड़ी बनते हुए चली गई। तो इस हिसाब से दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप चाहे तो इनके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करना है दोस्तों तो आप चाहे तो अंबर इंटरप्राइजेज के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीब चला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते, जो हमारा टारगेट प्राइस था 4000 के आसपास था, ये कंपनी उसी के आसपास जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई अचीव कर रही है। अगला स्टॉक हमारा निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं, देखिए ऐसे अनसर्टेन माहौल में अगर आपको मतलब कि किसी भी स्टॉक में निवेश करना है, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है दोस्तों, तो आप चाहे तो मतलब नाम इंडिया के ऊपर जो कि ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे पॉइंट से देखिए ये कंपनी कैसी है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी दोस्तों, और ETF मामले में जैसे देखिए हर कंपनियों का एक अपना अपना अलग का बिजनेस होता है, मतलब एक उनका मेजर बिजनेस होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ETF वाली कंपनी ये सबसे बड़ी कंपनी होते हुए दिखती है। मतलब उस हिसाब से आप कह सकते हैं 32,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। मैं हाई की बात करूँ तो 512 रुपये देखने को मिला है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 520 रुपये के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी ने एक महीने में लगभग 14% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ 72% का है, और एक साल में देखेंगे दोस्तों तो 104%। मतलब तीनों कंपनियां, जितनी भी हमने तीनों कंपनियों की बात की, ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है, और 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं SIP की बात करूँ या म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो किस टाइप से वर्क करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। कभी क्या है कि उनका मतलब मार्केट चल गया तो देखिए, ये मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड हो चाहे SIP हो, दोस्तों सभी जो है कि लॉन्ग टाइम में मतलब अपना जो कि पैसा ग्रो करते हैं, तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का चार्ट भी देखने को मिला 250% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नाम इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंगेज इन द मैनेजिंग म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि ETF से रिलेटेड दोस्तों इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है। और ये भी देखा जाए मतलब एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, ये 32,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है।
अगर हम कंपनी के पी की बात करें, 36 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है, डेट इस कंपनी के ऊपर एक रुपए का भी नहीं है। हालांकि दोस्तों जितनी भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उनके ऊपर डेट नहीं देखने को मिलता है। आरओसी आरओई एकदम बेस्ट है कंपनी का, और इसके जितने भी कंपटीटर दोस्तों आप कह सकते हैं कि मतलब देखा जाए तो ये देखिए, एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो एक आईटी सेक्टर हुआ दोस्तों, और दूसरा आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंस सेक्टर हुआ। अगर मैं दोनों सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे मतलब जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में कंपनी रहेगी, मेरे पॉइंट से देखा है तो बहुत ही बड़ी कंपनियां जो है बहुत ही कम रहेगी, और छोटी कंपनियां आपके पास ज़्यादा रहेगी, जो कि देखा है तो अपने लेवल में मतलब बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, 73% का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया, तो बहुत ज़्यादा सेल किया नहीं है। अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने बाइंग किया है, और DIs की बात करें दोस्तों, DIs ने सेलिंग किया, हालांकि पब्लिक ने बाइंग किया है। इसमें जो अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए अगर मार्केट वर्क मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे ही मार्केट में क्या है कि देखिए जो बाइंग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है, मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो कौन पैसा लगाएगा? पब्लिक की बात करें तो पब्लिक और भी गिरावट देखने की बात कर रही होगी। हालांकि हो सकता है कि पब्लिक ने और हाई लेवल पे पैसा पहले से लगा दिया हो, तो उस टाइम पे जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है तो कौन पैसा लगाता है? म्यूचुअल फंड ही लगाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े DIs और FIs ही लगाते हैं। तो उस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों, तो आने वाले समय में इस कंपनी का जो रिजल्ट है, देखिए जिस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रिजल्ट पेश करती उसी टाइप से ये भी कंपनी रिजल्ट पेश करेगी, तो इसके भी रेवेन्यू होते हैं, इसके भी प्रॉफिट होते हैं, सारा कुछ मतलब देखा जाए तो उसी टाइप से देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय इस कंपनी में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 12 जनवरी की ये कंपनी जो है कि 520 रुपए की प्राइस पे भी ट्रेड हुआ था, यहां पे देख सकते हैं कि लगभग 12-13 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों जिनको भी बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये स्टॉक अगर कुछ दिनों तक देखिए मार्केट में गिरावट हो, मार्केट में तेजी है, इस स्टॉक के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा अगर आप इसके 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही आराम से, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक चल रहा है फिर सडनली तेजी, फिर जो है गिरावट, फिर सडनली तेजी, बहुत ही आराम से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और आपको अगर सेफ रिटर्न चाहिए और आपका कैपिटल भी सेफ होना चाहिए, तो आप चाहे तो ऐसे स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक के अभी गिरने के कम चांस है, हो सकता है 500 रुपये या 480 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 600 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।